तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की और दिमागदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं या आगे जाके करना चाहते हैं तो वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप अपनी फोटो में सिनेमैटिक टोन कैसे डाल सकते हैं। सिनेमैटिक टोन डालने से आपकी फोटो में एक फेड लुक आती है एंड आपकी फोटो एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप सिनेमैटिक टोन कैसे डाल सकते हैं, वो भी कुछ इजी स्टेप्स में। मैंने रिसेंटली स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट की है, जिसकी मैं पोस्ट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने। तो अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं आए तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक कमेंट एंड शेयर। तो बिना कोई ज़्यादा समय बर्बाद किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सिनेमैटिक टोन डालने के लिए हम यूज़ करेंगे लाइटरूम ऐप का। तो हमने अपनी फोटो को यहाँ कर रखा है इम्पोर्ट, आप भी अपनी फोटो को यहाँ कर लीजिएगा इम्पोर्ट। सबसे पहले तो हम अपनी फोटो को यहाँ करेंगे स्ट्रेट एंड इसको करेंगे हम सेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी फोटो यहाँ कर लिया है क्रॉप। तो अब हमें डालना है इसमें थोड़ा स्ट्रीट लुक। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने टेक्सचर को कर देंगे यहाँ से फुल। आप देख सकते हैं एकदम इसमें टेक्सचर फुल करते ही कितनी बढ़िया इसमें टोन आ चुकी है। यहाँ से आप थोड़ी क्लियरिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियरिटी इंक्रीज करने से थोड़ी इसमें ब्लैक टोन भी आ जाएगी। तो हम इसको 8 तक ही रहने देंगे। हम फोटो में थोड़ा वीनियंट ऐड करेंगे एंड फिर हम जाएंगे शार्पनेस वाले सेक्शन में एंड फोटो की शार्पनिंग को एकदम कर देंगे फुल। फिर हम जाएंगे अपने लाइट वाले सेक्शन में एंड मेरे को लग रहा है कि हमारी फोटो में शेडो हल्की सी कम है क्योंकि डिटेल कम आ रही है। तो हम अपनी शेडोज को कर देंगे यहाँ इंक्रीज एंड हाईलाइट्स को कर देंगे डिक्रीज। फोटो में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे एंड फोटो में वाइट्स को कर देंगे इंक्रीज एंड ब्लैक्स को कर देंगे डिक्रीज। तो अब हमारी फोटो में लाइट करेक्शन बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। तो हम जाएंगे इसके कलर मिक्सर वाले टूल में एंड फोटो में थोड़ी कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो हमें पहले 3 कलर को नहीं छेड़ना यहाँ पर एंड बाकी जितने भी कलर हैं उसके सैचुरेशन को हम पूरा कम नहीं करेंगे, आधा आधा कम करेंगे। क्योंकि हम इसको पूरा कम कर देंगे तो उसमें अर्बन ब्लैक वाली टोन आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम नहीं डालना चाहते। ये थोड़ी स्ट्रीट फोटोग्राफी, इसमें थोड़े कलर्स भी आए तो अच्छा लगता है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने स्किन वाले कलर को, ऑरेंज कलर है जो हमारा, इसकी ल्यूमिनेंस को कर देंगे हम हल्का सा इंक्रीज एंड रेड कलर की ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। फिर हम चलेंगे येलो कलर की तरफ एंड इसकी सैचुरेशन को कर देंगे फुल एंड आप देख सकते हैं बूम एकदम से कितनी अच्छी टोन आ चुकी है। यहाँ से करेंगे इसको डन एंड फोटो में थोड़ी वाइब्रेंस को करेंगे इंक्रीज, थोड़ी सैचुरेशन को भी करेंगे इंक्रीज एंड टेम्परेचर को भी 2 तक ही रखेंगे तो फोटो कुछ ज़्यादा येलो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर अपनी फोटो का कितनी ज़्यादा अच्छी लगनी स्टार्ट हो गई है ये। तो अब हम चलेंगे यहाँ से सिलेक्टिव टूल वाले सेक्शन की तरफ एंड यहाँ से हम एक ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे, जो भी हमारा होगा रेडियल ग्रेडियंट, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे एंड इसको यहाँ आपके फोटो के हिसाब से पूरा बड़ा कर लेंगे। फिर हम यहाँ से कर लेंगे इसको इन्वर्ट, इसकी ओपेसिटी को भी कर देंगे हल्का सा कम 18 तक, ठीक है। फिर हम जाएंगे यहाँ से एंड इसमें से एक हम सब्ट्रैक्ट मास 1 कर लेंगे, इसको भी हम रेडियल रखेंगे। यहाँ पर भी इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इससे क्या होगा जो हमारा अंदर का पार्ट है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें जाना है यहाँ से इसके लाइट वाले सेक्शन में एंड इसके एक्सपोजर को कर देना है हल्का सा कम, इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स को करेंगे थोड़ा सा कम एंड शेडोज को भी थोड़ा सा कम एंड फिर जाएंगे इसके कलर वाले सेक्शन में एंड इसकी सैचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे। यहाँ से करेंगे इसको हम डन। तो हमारी फोटो यहाँ बिल्कुल अच्छे से एडिट हो चुकी है, आप जैसा कि देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो अब हम डालेंगे अपनी फोटो में सिनेमैटिक टोन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा था। तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ से लाइट वाले सेक्शन में, फिर हमें जाना है यहाँ से कर्व टूल में। जरूरी नहीं आप इसके लिए लाइटर में आपका यूज करें, आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं जिसमें कर्व टूल हो, फॉर एग्जाम्पल स्नैपसीड या पिक्सआर्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 3 डॉट बनाने होंगे, शेडोज हाईलाइट एंड टोन, इनको हम मिल पे रहने देंगे, इनको आप निकल कर ड्रैग कर लीजिए नीचे ताकि ये मिल पे आ जाए। फिर आपको जो सबसे फर्स्ट डॉट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 डॉट है, जो हमारी सबसे फर्स्ट डॉट है कॉर्नर पे, इसको मैं लिफ्ट करना है हल्का हल्का ऊपर एंड आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा मैं इसको लिफ्ट करूँगा उतनी ज़्यादा हमारी फोटो में फेड टोन आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक सी लगती है। जहाँ तक हम इसको कर लेते हैं एंड इसको कर देंगे डन एंड आप देख सकते हैं हमारी फोटो बिफोर एंड आफ्टर, अब दिखने में हमारी फोटो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से करेंगे हम इसको डन एंड इसको कर लेंगे हम सेव टू डिवाइस।
सो होप सो दोस्तों आपको आज की वाली वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी कर लीजिएगा ऑल पे ताकि नोटिफिकेशन आए सारी वीडियोस की। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखें एंड ये लास्ट की दो वीडियोस को देखते जाएं।